MCQ's biodiversity में द ग्रेट इको डाइवर्सिटी इज सीन इन स्कैंडिनेवियन नॉर्वे इंडिया एमिरेट्स. बहुत सारा इको डाइवर्सिटी कहाँ देखते हो? इन चार में हमको चूज करना है. इंडिया करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है द स्पीशीज विच इज लीस्ट इन इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स में कौन सा स्पीशीज बहुत कम है? वो डायग्राम ग्राफ में दिया गया है. तो मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, नन. अगर मेरा वीडियो देखे तो भी आपको मालूम हो जाएगा. आंसर है क्रस्टेशियंस. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट गिवन एनीवेयर बिकॉज ऑफ ऑल एक्सेप्ट. प्रोकैरियोट्स का नंबर और टैक्सोनॉमी और कितना स्पीशीज है किसी ने भी कहीं पे भी नहीं दिया. क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पहला रीजन दे रहे हैं, टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर देम. टैक्सोनॉमी मेथड उनके लिए सूटेबल नहीं है. नॉट कल्चरेबल इन लैब. उनको हम लैब में कल्चर नहीं कर सकते हैं. इफ वी यूज बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर बेसिस देयर नंबर्स इज इन मिलियंस. अगर हम बायोकेमिकल वे में क्लासिफाई करेंगे सोचो, या मॉलिक्यूलर वे में उनको क्लासिफाई करेंगे सोचो, तब उनका नंबर मिलियंस में आ जाएगा. या ऑल इज द आंसर. सो हमको क्या यहाँ पे नन देने का था उसको, क्योंकि इसका आंसर क्या है? ऑल ही. उसका ये सभी रीजन से ही प्रोकैरियोट्स को हम लोग कितना स्पीशीज है, क्या है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी नहीं कर सकते हैं. तो इसका आंसर एक्सेप्ट यही ये वाला रॉन्ग हो जाता है. तो ये वाला हम लोग चूज करने का, क्योंकि सभी थ्री करेक्ट ही है. नेक्स्ट, मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी इज फाउंड इन. कहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा देखते हो? ट्रॉपिक्स में, या 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, या टेम्परेट रीजियंस में, तो ऐसे, या पोलर रीजियंस में. तो ए में क्या दिया है? ए और बी दिया है. बी में क्या दिया है? बी और सी दिया है. सी में क्या दिया है? सी और डी दिया है. डी में क्या दिया है? ए और सी. तो इसका आंसर है ट्रॉपिक रीजियन और ये दोनों सेम है. ट्रॉपिक रीजियन लैटिट्यूड के हिसाब से कहाँ पड़ता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ को पड़ता है. तो ये बी. तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. नेक्स्ट, द रोल प्लेड बाई अ स्पीशीज इन इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं स्पीशीज का रोल एक एनवायरमेंट में जो प्ले करता है उसको? निश बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं, जॉब बोलते हैं. इसको हम प्रोनाउंसिएशन निश करने का, मुझे पहले वो वीडियो में आप देखिए, मेरा जो वीडियो आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा. तो इसका आंसर है निश. नेक्स्ट, द स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम पोलर टू. स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ से इंक्रीज कैसा होता है? पोलर रीजियन से इक्वेटर को इंक्रीज होता है, या इक्वेटर टू पोलर रीजियन इंक्रीज होता है, या टेम्परेट रीजियन टू पोलर रीजियन इंक्रीज होता है, या इक्वेटर टू टेम्परेट रीजियन इंक्रीज होता है? तो कहाँ से इंक्रीज होता है? ये अर्थ है, सोचो आप. ये इक्वेटर है, ये पोलर रीजन है, ये ट्रॉपिक रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है. तो यूजुअली यहाँ पे कम स्पीशीज, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के पास जाते हैं क्या होता है? स्पीशीज इंक्रीज हो जाता है. इस तो ये पोलर टू इक्वेटर. नेक्स्ट, इफ जेड वैल्यू. जेड आपको मेरे वो वीडियोस में मिलेगा. जेड वैल्यू माने रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप ऑफ द लाइन. जब हम लॉग स्पीशीज एरिया रिलेशन करते हैं तब वो स्ट्रेट लाइन जो लॉग में ग्राफ में डालते हैं तब उसमें जेड वैल्यू आता है. इफ जेड वैल्यू इज मोर देन द लाइन इन द ग्राफ स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया बिकम्स. अगर जेड वैल्यू ज्यादा हो गया तो वो स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ग्राफ में क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा, वेवी हो जाएगा, या मूव टुवर्ड्स वाई एक्सिस, या वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा. तो इसमें फिर हम लोग चूज करने का, ये भी आंसर है क्या? ये और ये. ए और सी आंसर है क्या? बी और डी आंसर है क्या? या ए और डी आंसर है क्या पूछ रहा है. इसमें क्या हो जाता है, मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ये स्टीपर हो जाता है और वाई एक्सिस की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है. तो इसका आंसर होगा बी और डी.
फिर एक और जेड वैल्यू के ऊपर, इफ जेड वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ग्राफ, देन अगर जेड वैल्यू स्पीशीज रिचनेस और एरिया ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, स्पीशीज रिचनेस इज इंक्रीजिंग फास्टर टू एरिया है क्या, या स्पीशीज माने स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा एरिया से भी ज्यादा बढ़ रहा है क्या, या स्पीशीज रिचनेस इज डिक्रीजिंग फास्टर टू एरिया, या स्पीशीज रिचनेस एरिया से भी कम बढ़ रहा है क्या, एरिया इज इंक्रीजिंग टू स्पीशीज रिचनेस, एरिया स्पीशीज रिचनेस से भी ज्यादा हो रहा है क्या, या नन, आंसर इसका है ये। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम इज गिवन बाय, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी होने का एक इकोसिस्टम के लिए वो कौन दिया है, स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप दिया है क्या, या रिवर्ट हाइपोथेसिस में दिया है क्या, या लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में दिया है क्या, या नन, तो ये आंसर है रिवर्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, वन ऑफ दीज इज नॉट एक्सटिंक्ट, इसमें एक एक्सटिंक्ट नहीं है, कौन है पूछ रहे हैं, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर, डोडो, इंडियन एलिगेटर, ये सभी एक्सटिंक्ट है, तो ये वाला इंडियन एलिगेटर एक्सटिंक्ट नहीं है, यही पूछते हैं क्वेश्चन नहीं है, ऐसे वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो अभी मैं एक्सटिंक्ट पूछा तो आपको सभी एनिमल्स कौन एक्सटिंक्ट हुआ है वो टेक्स्ट बुक देखना है, नहीं तो मेरा वो एटलीस्ट वीडियो वीडियो देखने से मालूम हो जाएगा, वो याद रखने का। ईविल क्वार्टेट और ऑल एक्सेप्ट पूछा है, ईविल क्वार्टेट सभी है, ये ईविल क्वार्टेट माने क्या है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ द इकोसिस्टम, और व्हाट आर द कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, उसको ईविल क्वार्टेट बोलते हैं, तो को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस, नन, तो ईविल क्वार्टेट का ये सभी भी रीजन ही है, तो इसमें क्या है ये चूज करेंगे। ईविल क्वार्टेट भी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेशन इज, ये वन ऑफ द रीजन ऑफ ईविल क्वार्टेट है, इससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल वार्बलर्स है क्या, नाइल पर्च है क्या, या फिग और वैस्प है क्या, या बर्नैकल्स, इसका एग्जाम्पल नाइल पर्च है। नेक्स्ट, वन ऑफ दीज इज नॉट एक्सीटू कंजर्वेशन, इसमें एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं वो एक्सीटू कंजर्वेशन नहीं है, कौन सा है वो पूछ रहा है, सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर, सेक्रेड ग्रूव्स, जू, सेक्रेड ग्रूव, क्योंकि सेक्रेड ग्रूव इनसीटू कंजर्वेशन है। नेक्स्ट, वन ऑफ दीज इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन सा इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूछ रहे हैं, तो वेस्टर्न गार्ड्स, ईस्टर्न गार्ड्स, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, नन, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेस्टर्न गार्ड्स है। नेक्स्ट, अभी हम मैच द फॉलोइंग करने का, यहाँ पे इकोलॉजिस्ट का नाम दिया है, यहाँ पे वो क्या किया है दिया है, रॉबर्ट मीड, पॉल एहरलिच, डेविड टिलमैन, एडवर्ड विल्सन, यहाँ पे रिवर्ट हाइपोथेसिस, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, पहले रॉबर्ट में क्या किया है, पेंसिल लेती हूँ मैं, रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, पॉल एहरलिच रिवर्ट हाइपोथेसिस, डेविड टिलमैन इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स, एडवर्ड विल्सन बायोडाइवर्सिटी का टर्म दिया है उसने।